राजस्थान भाजपा की दिग्गज नेत्री और दो बार के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को उनकी परंपरागत सीट झालरापाटन से टिकट देकर बीजेपी आलाकमान ने संकेत दे दिए हैं कि वसुंधरा राजे अभी भी मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर नहीं हुई है। सियासी गलियारों में लगातार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट से यह तय हो गया कि वो राज्य के साथ अभी भी सेफ खेलना चाहती है। तो रिस्क भरी बीजेपी की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि दो बार के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में ये कयास लगाए जाने लगे कि वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं, और उन्हें आखिर क्यों सेफ सीट से उतारा गया जहां से वे लगातार विधायक बन रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक अजीब उलझन में उलझी हुई है कि वो किस स्थानीय चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़े, खासकर तब जब उनके पास दो बार के मुख्यमंत्री वाला चेहरा भी है। यही वजह रही कि राजस्थान में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे जैसे जाने माने चेहरे होने के बावजूद प्रदेश में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए कई चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनमें बीजेपी आलाकमान की भी कहीं ना कहीं हार नजर आ रही है, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ और दिया कुमारी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हटकर कई चेहरों पर दाव खेलना पड़ रहा है? माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए राजस्थान के विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चुनाव वो किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती। एक तो राजस्थान का चुनावी ट्रेंड और सत्ता में वापसी के लिए, तो वहीं दूसरा प्रधानमंत्री मोदी और 2024 के लोकसभा चुनाव की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। हम सब ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो है दिया कुमारी का। तभी बीजेपी ने उन्हें सांसद से विधायक के चुनाव में उतारा है और वो भी पार्टी के सबसे सेफ सीट विद्याधर नगर से। कहा जा रहा है कि वसुंधरा का सबसे बड़ा विकल्प दिया कुमारी को ही देखा जा रहा है। तो अब जानते हैं कि बीजेपी आलाकमान क्यों वसुंधरा राजे को खुश कर भी उसे नजरअंदाज कर रही है। पहला कारण उसी नारे को बताया जा रहा है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में लगा था, मोदी तेरे से बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खेर नहीं। बीजेपी नहीं चाहती कि ये नारा इस बार भी लगे, क्योंकि इस नारे की हल्की गूंज तो इस बार भी सुनाई देने लगी, जिसके चलते पार्टी फिर से रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरा कारण कि भाजपा आलाकमान को लग रहा है कि वसुंधरा राजे का जनता के बीच पहला जैसा जनाधार नहीं रहा, जनता के बीच वो लगातार अपना विश्वास खोती जा रही है, उनके चेहरे से ज्यादा जनता कांग्रेस के राज से खुश नजर आती है, तो आलाकमान के लिए यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं तीसरा कारण कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिहाज से भी फिट नहीं बैठ रही है और उनकी तुलना में दिया कुमारी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में काफी हद तक फिट बैठ रही है। यह तो वो कारण है जहां बीजेपी वसुंधरा राजे की सियासी वजूद से तालमेल नहीं बैठा पा रही है, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि क्यों भाजपा ने राजे को सेफ सीट से उतारा है और उनको क्यों पार्टी के प्रचार के लिए आगे कर रही है। इसका पहला कारण ये बताया जा रहा है कि बीजेपी कितने भी चेहरों पर दाव खेल ले, लेकिन एक बार में वो फिलहाल के लिए वसुंधरा से बड़ा कोई चेहरा जनता के सामने नहीं ला सकती है, क्योंकि सारे चेहरे नए हैं और काफी हद तक राजनीति के कच्चे भी। वहीं दूसरा कारण ये है कि यदि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने हार जाती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नेगेटिव सेटबैक होगा, जो बीजेपी बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी, क्योंकि उनके सबसे बड़े चेहरे का हारना जनता के बीच नेगेटिव मैसेज होगा और इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, जहां चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी ने हर कयास के इत्तर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ना उतार कर उन्हें उनकी परंपरागत सीट से ही उतारा है। वहीं वसुंधरा राजे को उनकी परंपरागत सीट से उतारकर बीजेपी आलाकमान ने यह संकेत भी दे दिए हैं कि अभी भी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की दौड़ में है और बीजेपी का वो बड़ा चेहरा होगी। इसी कारण राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे के सामने कुछ हद तक झुका हुआ नजर आया। राजनीति की दुनिया में इन्हीं वजहों से कहा जा रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे से ना तो भेद जता पा रही है और ना ही उनसे प्यार निभा पा रही है। अब ये देखने लायक बात होगी कि बीजेपी और वसुंधरा राजे की राजनीति किस करोड़ बदलती है।